दिल्ली में जो हो रहा है वो विजयवाड़ा में समझ रहे हैं, और लोकतंत्र के ऊपर जो हमला यह सरकार कर रही है, आप उस लोकतंत्र को बचाने आए हैं। इसमें संवाद और देखना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें लड़ाई और संघर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बोलते हैं तभी इनको दिक्कत होती है, और जब दिक्कत होती है तो ये टारगेट करते हैं स्टूडेंट को, और सिर्फ स्टूडेंट को नहीं करते। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में एक नया वाक्य सामने आया है कि सिर्फ विद्यार्थियों को नहीं मारते, अब तो शिक्षकों को भी पीटने लगे हैं और स्टूडेंट के साथ टीचर को भी जेल में डालने लगे हैं। यही बात मैंने अपने मीडिया के कर्मियों को भी कहा था कि याद रखिएगा, दुनिया में जब फासिज्म आया था पहली बार तो ब्रेक्ट ने एक बात कही थी कि जब वो आए और ज्यूज को मारे तो मैं चुप रहा, वो आए सोशल डेमोक्रेट्स को मारे तो मैं चुप रहा, वो आए और कम्युनिस्टों को मारे तो मैं चुप रहा, फिर वो मुझे मारने के लिए आए तो कोई नहीं था बचाने वाला। आज वो विद्यार्थियों को पीट रहे हैं, शिक्षकों को पीटना शुरू किया है, मीडिया कर्मियों को भी दिल्ली में पीटा है। कल को इस देश के अंदर किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनको जो फैशन बीजेपी बता रही है, कल को उनको भी पीटेगी। इस देश के अंदर मजदूर पहले से मर रहे हैं, तो इस देश का सिविल सोसाइटी और मिडिल क्लास भी नहीं बचने वाला है, ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। इसीलिए आज अगर जेएनयू पे हमला है, आज अगर एचसीयू पे हमला है, तो ये लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है, और इस हमले को रोकने के लिए हम तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए, एक यूनिटी बनानी चाहिए, और इनका जो नकली राष्ट्रवाद है इससे मुकाबला करना चाहिए।